हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। एक डिवाइस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एक और डिवाइस जो कि सर्किट ब्रेकर है इसको डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट होने के साथ साथ बहुत सारे लॉसेस भी हैं। इंसान की जान जा सकती है, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है जैसे आग लग जाती है। इसके अलावा आपकी जो डिवाइसेस हैं बाज़ूकात बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस होती हैं, अगर उनमें एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाता है करंट की वजह से, तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इन सब से अपने आप को, अपने घर को और अपने डिवाइसेस को महफूज रखने के लिए हम डिफरेंट सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक यूज किया था फ्यूज का, इसी तरह हमारे पास एक और थोड़ी मॉडर्न एप्लीकेशन है इसकी, वो है हमारे पास सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जैसे फ्यूज काम करता था कि एक खास अमाउंट ऑफ करंट को सर्किट से पास होने देता है, अगर उससे ज्यादा करंट पास करता तो वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता। उससे क्या बेनिफिट मिलता आपको कि आपकी डिवाइस है वो सेफ रहती है। ओके, अब ये चीज तो आपने देख ली कि डिवाइस को किस तरह से आप सेफ रख सकते हैं। अब हमने इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो सब हमने सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जब तक आपको ये कंसेप्ट माइंड में नहीं आएंगे तब तक आपको इसका क्लियर कंसेप्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि उसके बाद आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ओके, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये पीसेस ऑफ आयरन है और ये एक मैग्नेट है। आपने रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि आप मैग्नेट को जब आयरन के पीसेस के करीब लेकर आते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये बात आपने सीख ली कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, आयरन के अंदर ये खसूसियत होती है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है या मैग्नेट के पास आता है, किसी मैग्नेट के एरिया में आता है, उसको टच कर लेता है, तो वो खुद भी मैग्नेट बन जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखें, अब ये मैग्नेट है, इसके साथ ये पीस ऑफ आयरन अटैच है। जो ये वाला है, ये वाला पीस, ये मैग्नेट से नहीं अटैच, ये इस आयरन के पीस से अटैच है। आप देख सकते हैं, ये वाला देखें मैग्नेट से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये इससे अटैच है। तो आयरन जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है या मैग्नेट के साथ कनेक्ट हुआ होता है तो वो खुद भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। उसके अंदर छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं मैग्नेटिक, जो कि पहले डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो अरेंज हो जाती हैं। ये कंसेप्ट आप सीनियर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। अभी बस आप इतना माइंड में रखें कि जब एक मैग्नेट के करीब कोई आयरन का पीस आता है या उसकी फील्ड में आता है या उसको टच कर लेता है तो वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। ओके, ये चीज आपने सीखी, इसको माइंड में रखना है आपने। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये देखें, अब ये एक बैटरी है, बैटरी के हमने एक वायर ली, वायर को इस ये हमारे पास एक पिन है, इस पिन के ऊपर या अब कील ले लें, कील के ऊपर हमने ऐसे बाउंड किया वायर को और उसको बैटरी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो आयरन का बना हुआ एक हमारे पास पिन है या एक कील है, इसको जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, इसको भी सीख लें ताकि जल्दी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। माय स्टूडेंट्स, ये करंट जब किसी कंडक्टर से पास करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आयरन का पीस पड़ा होता है तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। फिर सुने, मैग्नेट के गिर्द एक खास मैग्नेटिक फील्ड भी बता देता हूं ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड से भी प्रॉब्लम ना बने। मैग्नेट के गिर्द एक खास रीजन होता है जहां पे कोई और मैग्नेट आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। लेट्स सपोज ये वो एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर कोई और मैग्नेट आया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की फील्ड, इस मैग्नेट का इलाका, ये इसका इलाका है, इसमें कोई आएगा तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी फोर्स को फील करेगा। ठीक है, जैसे आपका इलाका है, आपके इलाके में कोई अगर गेस्ट आता है तो आप खुशी से उसको आने देते हैं, वेलकम करते हैं। अगर कोई और आपको दुश्मन आता है तो आप उसको फौरन मार भगाते हैं। ये आपका एरिया है, फोर्स आप अप्लाई करेंगे
अगर आपका अपना है तो उसको अपनी तरफ लेकर आएंगे, अगर कोई और है तो उसको बाहर बेचेंगे। इसी तरह मैग्नेट है, मैग्नेट की गिर्द भी ये रीजन है, ये इसका इलाका है। यहाँ कोई और मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, अगर सेम पोल होंगे तो अट्रैक्शन, अदरवाइज रिपल्शन। अब ये बात आपने याद रखनी, ये फील्ड है। जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ये कंडक्टर है, इसमें यूं करंट पास करेगा तो इसके गिर्द एक इलाका बन जाएगा, जहां पे कोई मैग्नेट आया तो अट्रैक्शन फील करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जैसे एक मैग्नेट की फील्ड होती है ना, वैसे इस करंट की गिर्द भी फील्ड बन जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कील पड़ा हुआ है तो ये कील भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसका। ओके, अब आप इसके कील के करीब ये पीसेस ऑफ आयरन लेकर आएंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपने तो कोई मैग्नेट यूज नहीं किया, आपने तो एक कील को यूज किया था, वो जो आयरन का बना हुआ है। फिर उसने इस पीसेस ऑफ आयरन को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि वो मैग्नेट बन चुका है, वो मैग्नेट बन चुका है। ऐसा ही मैग्नेट हम यहां पर यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये सब डिटेल बता रहा हूं। तो करंट जब इस तरह से इसमें से फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये करंट का इफेक्ट होता है कि जब करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, उसके अंदर अगर कोई मैग्नेट आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखें, ये हमने सीख लिया। अब एक बात और याद रखें, अगर इसमें से थोड़ा करंट पास करेगा थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा करंट फ्लो करा दें इस वायर में से, तो फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं, थोड़ा करंट पास करेगा वीक मैग्नेट बनेगा, यानी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का मतलब जो ज्यादा फोर्स लगाकर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, आयरन की या मैग्नेट की। ओके, अब इसको हम इसके ऊपर देखें अप्लाई करके, ये जो कंसेप्ट हमने सीखे थे यहां पर इसमें इस्तेमाल होंगे। हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जो एक करंट को कंट्रोल करती है, एक लिमिट से ज्यादा करंट जब फ्लो करता है ना तो ये डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट को। अब कैसे डिस्कनेक्ट करती है, ये चीजें आपको ये समझने के बाद बहुत आसानी से समझ आएंगी। देखिए, ये एक पीस ऑफ आयरन है, ये मैग्नेट नहीं पड़ा हुआ, ये पीस ऑफ आयरन है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये दिस इज अ पीस ऑफ आयरन। इसके ऊपर हमने एक वायर को वाउंड किया हुआ ऐसे ऐसे सर्कल में, जैसे ये पीस ऑफ आयरन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार को लपेट, ऐसे ये तार आई यहां से लपेट के यहां आई इधर तक, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, इसके साथ हमने यहां एक पिवट पॉइंट लगाया, ऐसा पॉइंट को यहां से पकड़ लो तो ऐसे ऐसे हो जाए, तो ये पॉइंट पिवट है, ये ऐसे ऐसे हो रही है ना, ये ऐसे, तो जिस पॉइंट पे घूम रही है इसको पिवट पॉइंट कहते हैं, ये इसका पिवट पॉइंट। ओके, जब करंट की एक खास मिकदार जितनी हमने अलाउ की हुई है उतनी करंट की मिकदार यहां से पास करती है ऐसे, तो इसमें से पास करके जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उससे ये जो आयरन का बना हुआ पीस है ये मैग्नेट बनता है, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता कि ये इस लोहे की बनी हुई रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, इतनी इसके अंदर एनर्जी नहीं होती अभी, इतनी पावरफुल मैग्नेट ये नहीं बना। तो करंट आम सिचुएशन के अंदर यहां से फ्लो करता रहता है और यहां से इधर आता रहता है, लेकिन जब एक खास अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करता है फिर क्या होता है, यहां से लेट सपोज ज्यादा करंट फ्लो किया, तो जब इस वायर में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगी इसको, ये जो आयरन की बनी हुई पीस है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। जब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, ये इस तरह जुड़े होते हैं ऐसे, आयरन के दो पीस ऐसे जुड़े होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता ना, ये ऐसे अपनी तरफ खींच लेती है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए थे, जब ज्यादा करंट फ्लो किया ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना तो इसने इस पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि ये आयरन का बना होता है। जब इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो सर्किट पहले ऐसे थे तो करंट फ्लो कर रहा था, अब ऐसे जुदा हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो गए। अब डिस्कनेक्ट हो गए तो करंट आगे मिलेगा नहीं, हमने भी तो यही करना है कि जब करंट बढ़े तो डिवाइस को ना मिले,
जब करंट ज्यादा हो तो हमारी डिवाइस सेफ रहे, यही तो हमारा पर्पस था। इस तरह से जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा ये डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को। तो ये सर्किट ब्रेकर आजकल आपने देखे होंगे हर घर में ये लगे होते हैं, जो मेन वायर आ रही है उसमें हम लगाते हैं इसको। तो अब मैं लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लाइव वायर में यूज करते हैं, घर में कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, ये एक वायर आ रही है, एक ये आयरन की बनी हुई स्ट्रिप है, ये वायर ऐसे आयरन की बनी हुई स्ट्रिप के साथ बाउंड करके इसके साथ कनेक्ट कर रही है। ये दो डी वेल जैसे दो रॉड है, इनके साथ ऐसे डी लगी हुई, ये ऐसे होते हैं जुड़े हुए, ऐसे होते हैं सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसे होते हैं फिर मिल जाता है। तो ये दो आयरन की बनी हुई रॉड्स हैं, ये इसको इस पॉइंट पे पिवट किया हुआ, यानी कि यहां से इस तरह जुड़ा हुआ कि ये ऐसे और ऐसे, यानी ऐसे ऐसे कर सकती है, मूव कर सकती है इस तरह से। ये पिवट पॉइंट है इसका, इस तरह से, और ये आयरन की बनी हुई है। जब इस कंडक्टर में से, यानी इस वायर में से करंट पास करता है तो ये मैग्नेट बन जाता है। जैसे इस कील के ऊपर जो हमने वायर लपेटी हुई थी, जब इसमें करंट पास किया था तो ये कील मैग्नेट बन गया था, वैसे ही इस पट्टी के ऊपर, ये जो आयरन की बनी हुई पट्टी है, इसमें इसके ऊपर हमने एक वायर लपेटी हुई है, इसमें से करंट पास करेगा तो ये आयरन के पीस को मैग्नेट बना देगी। अब मैग्नेट स्ट्रांग है कि वीक है डिपेंड करता है करंट की अमाउंट के ऊपर। आम जो एक खास मिकदार हमें चाहिए होती है करंट की, जब उतना करंट पास करता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता कि आयरन की बनी हुई इस रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इसलिए आम सिचुएशन के अंदर करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन जब एक खास अमाउंट से करंट बढ़ जाता है, जितना हमने रिस्ट्रिक्ट करना है उससे बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, जब ज्यादा करंट इसमें से पास किया तो इसने मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना। अब इसने इस डी को अट्रैक्ट कर लिया, डी डी से अलग हो गई, ये ऐसे ये वाला पॉइंट अलग अलग हो गए, तो आप तो करंट आगे फ्लो नहीं कर सकता, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, आपकी डिवाइस सेफ रही। ओके, अब यूज कैसे करेंगे इसको, इसको आप लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। ये देखें, ये लाइव वायर आ रही है, यहां पर आप लाइव वायर का कनेक्शन देंगे, और ये जो पॉइंट है इसे आप कोई भी डिवाइस या जिस भी मशीन को आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है यहां से आप उसको देंगे, ठीक है। और ये हमारी है लाइव वायर जहां से करंट आ रहा है, तो यहां से फ्लो करता हुआ सीधा डिवाइस के पास जाता है, करंट बढ़ा डिस्कनेक्ट। तो ये हमारे पास था सर्किट का, सर्किट ब्रेकर का सिंपल सा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछा करें, और अगर आपको लेक्चर की समझ आए तो प्लीज लाइक कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट किया करें, अपना रिस्पांस शो किया करें। थैंक फॉर वॉचिंग।